विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। नए साल की छुट्टियां में बाबा महाकाल के दरबार पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। देश भर में वर्ष के अंतिम दिनों में क्रिसमस के अवकाश शुरू होने के बाद भगवान महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शनिवार से सोमवार तीन दिनों की छुट्टियां के चलते महाकाल मंदिर में बाहर से दर्शन करने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती दिखती नजर आई है। बाबा महाकाल के दरबार में रविवार को करीब 2 बजे तक 2 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। इसी के साथ शाम होते होते यह संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। बाबा महाकाल की नगरी जो देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। प्रतिदिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। ये चूंकि पहले से था कि जैसे ये दिसंबर एंड शुरू होता है, एक बहुत बड़ी छुट्टियां रहती हैं और पूरे देश से लोग महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं, इसलिए महाकाल प्रबंध समिति जिला प्रशासन के द्वारा पूरा काम बनाया गया कि जब भीड़ आएगी तो उसमें किस प्रकार से लोगों को दर्शन कराएंगे। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सुगम और जल्दी से जल्दी दर्शन होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि आप देखें कि व्यक्ति कहीं से भी आ रहा हो, त्रिवेणी से आ सकता है, बेगम बाग के पास में जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, 1 नंबर गेट से आ सकता है वो, या फिर त्रिवेणी से या बड़ा गणेश से आ सकता है। तो इस तरफ कहीं से भी आता है, अल्टीमेटली वो मानसरोवर पहुंचता है। सभी जगह पर जो जूता स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए वो है। सभी जगह पर जैसे आप जूते उतारते हैं तो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था है। और जो सिक्योरिटी हमारी ज़्यादा लगी हुई है, जिससे कि मंदिर तक व्यवस्थित तरीके से आसानी से श्रद्धालु पहुंच जाए। आप जैसे मंदिर में मानसरोवर से एंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइन चलाने के लिए पानी की व्यवस्था है और दूसरी यूटिलिटीज हैं। जब आप, और कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हर व्यक्ति के दर्शन 2 बार हो जाए। आप कार्तिक मंडपम में आएंगे दर्शन करेंगे, फिर नीचे गणेश मंडपम से दर्शन करके बाहर निकलें। इस पूरी जगह पर जो हमारा रेगुलर डिप्लॉयमेंट रहता है उससे लगभग 1.5 गुना हमारा डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो लाइन चलाने वालों का, सिक्योरिटी का हो, और जो हमारे मंदिर या बाहर के ऑफिसर्स हैं वो। साथ ही जगह जगह पर हमने लड्डू प्रसादी के लिए काउंटर खोले हुए हैं कि सभी लोग आते हैं। नॉर्मल डेज में लगभग 30 क्विंटल के आसपास, 40-35 क्विंटल के आसपास लड्डू प्रसाद ही जाता है। अभी वर्तमान में 55 से 60 क्विंटल जा रहा है, तो उसके लिए भी स्टॉक बनाकर रखा गया हुआ है। जगह जगह पर साइनेज लगाए गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो 30-31 तारीख का रहेगा, 1 तारीख का रहेगा, वो संख्या बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है और उसी प्रकार से उसकी प्लानिंग की जा रही है। जगह जगह पर बाहर की तरफ भी साइनेज लगाए जाएंगे कि किस प्रकार से आपको महाकालेश्वर मंदिर में आना है, कहाँ पर जूता स्टैंड है, ये जो भी अंदर पूरा लगा हुआ है। 1 तारीख के लिए एक बड़ी सी प्लानिंग की जाएगी जिसके बारे में सूचना आने वाले दिनों में आप लोगों के माध्यम से जरूर दी। अभी लगभग, जैसे कल का फिगर बात करूँ, लगभग 3.5 से 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज ये संख्या और ज़्यादा बड़े होने की संभावना है। अभी ही सुबह से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं।